तिवारी जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि सलमान ने अपने बचपन के खास दोस्त का कत्ल क्यों किया और सामने से आकर उसने अपने आप को पुलिस के हवाले भी किया और उसके साथ साथ ही वो मर्डर वेपन यानी कि वो चाकू जिससे वो मर्डर हुआ है उसको भी बरामद करवाया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है तिवारी जी, उस चाकू पे उंगलियों के निशान नहीं, हो सकता है कि खून किसी और ने भी किया। और जिस किसी ने भी ये खून किया है ये बहुत प्लैंड वे में किया है तिवारी जी, इसका मतलब ये है कि घी सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है। ये केस जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। एक काम करते हैं तिवारी जी, हम लोग मौकाए वारदात पर चलते हैं और देखते हैं कि असल में माजरा क्या है। आइए चलते हैं।